महादेव जी कहते ये कोई पूछने की बात है, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, अरे सबसे ज्यादा प्रेम हम आपसे करते हैं। तो माता ने कहा अगर मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो ये अमर कथा क्या है। महादेव जी ने कहा इसके बारे में किसने बता दिया। नेत्र बंद करते हैं तो पूरा दृश्य सामने आता है। नारद जी आए थे, महादेव जी कहते ये ब्राह्मण देवता आते और अपना कुछ ना कुछ काम कर कर जाते। महादेव जी ने कहा अब तक नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता ने कहा वो तो सुनानी ही पड़ेगी, पर अब तक क्यों नहीं सुनाई। महादेव जी कहते मैं आपको सुना देता लेकिन आप महिलाओं में एक बहुत बुरी आदत होती है। कौन सी आदत? महादेव जी कह रहे मैं नहीं कह रही, मैं खुद महिलाओं में क्यों कहूंगी महाराज। पर महादेव जी कहते कि आप महिलाओं में एक बहुत बुरी आदत होती है। माता ने कहा कौन सी आदत? बोले आप कोई बात छिपा कर नहीं रख सकते। जहां चार महिलाएं मिली नहीं कि वहां सारी बातें बाहर, और ये कथा हर किसी को नहीं सुना सकते। ये बहुत गोपनीय कथा है। गोपनीय भी कैसे? नाम से आप समझ सकते हैं, अमर कथा। सुनने वाला अमर हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको नहीं सुनी। माता ने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे ये कथा सुनाइए। ठीक है महादेव जी कहते फिर आंख बंद करिए। आंख बंद करते ही फिर महादेव जी सीधा कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाकर बैठ जाते हैं। अब कथा आरंभ करने से पहले महादेव जी ने पहली ताली बजाई, एक ताली सिर्फ पहली ताली बजाई। ताली बजाते ही जितने जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पर वो सभी कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। ताली का बहुत महत्व है। आप किसी भी कथा सत्संग इत्यादि में जाते हैं तो आपको ताली बजाने को बहुत कहा जाता है। कई बार लोग झुंझला उठते हैं, इतना क्या बार बार ताली बजाओ ताली बजाओ, बजा रहे हैं लोग। तो क्रोधित नहीं होना, क्यों? क्योंकि ताली बजाने का महत्व है। हम सिर्फ आनंद के लिए कि भाई ताली की आवाज आ रही है अच्छा लगता है, उसके लिए नहीं कहते। ताली का महत्व है।